आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और यूनिक स्टाइल का बहुत बहुत टेस्टी, बनाने में बहुत ही आसान सा स्नैक्स, जिसे आप घर में रखी सिर्फ 2-3 चीज़ों से कभी भी बना सकते हैं। और इस नई रेसिपी का नाम है क्रिस्पी क्रंची सूजी रिंग्स। बारिश के मौसम में चाय के साथ जब आप इस स्नैक्स को बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इस स्नैक्स को बनाना शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने किचन ट्रीट्स में। इसे बनाने के लिए मैंने आधा कप सूजी ली है। हमें इसके लिए बिल्कुल महीन सूजी चाहिए, तो सूजी को पहले ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने सूजी को पीस कर महीन कर लिया है। तो गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। यहाँ मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियों को ग्रेट कर लिया है। इसे हम लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट सोटे कर लेंगे। फिर इसमें ग्राइंड की हुई सूजी को ऐड करेंगे। अब सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे सूजी का कलर चेंज ना हो। रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए बेल बटन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखिए सूजी रोस्ट हो गई है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और वापस पैन को गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 3/4 कप पानी। जिस कप से हमने आधा कप सूजी ली थी उसी कप से 3/4 कप मैं पानी डाल रही हूँ और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। अब पानी में बॉईल आने देंगे। पानी में बॉईल आने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें सूजी ऐड करेंगे। जैसे जैसे हम सूजी को ऐड करेंगे तो सूजी का एक डो बन जाएगा। ये देखिए सूजी अच्छे से बाइंड हो गई है और ये डो के फॉर्म में आ गई है। तो गैस को बंद कर देंगे। सूजी का डो बनाने के लिए हमने 3/4 कप पानी का यूज़ किया है। अब इस डो को हल्का सा ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने आलू को बॉयल करने के बाद इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया है और फिर इन्हें ग्रेट कर लिया है। ये 3/4 कप ग्रेटेड आलू हैं। आलू को सूजी में ऐड कर देंगे, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब आलू और सूजी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूजी आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अरारोट और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अरारोट ऐड करने से ये स्नैक्स क्रिस्पी भी बनेंगे और डो में एक बाइंडिंग आएगी। अरारोट की जगह आप इसमें कॉर्न फ्लोर या चावल का आटा भी डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिससे ये चिपके नहीं और अब इस डो को अच्छे से बाइंड कर लेंगे। तो अब डो तैयार है रिंग्स बनाने के लिए। डो में से 3 पार्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। तो चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और बेलन पर भी ऑयल लगा लेंगे और इसे बेल लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए हमें इसे बेलना है। इसे हर जगह एक सा बेलना है। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इतना ही मोटा हमें बेलना है। ज़्यादा पतला इसे नहीं करेंगे वरना जब हम रिंग्स को ऑयल में फ्राई करेंगे तो उनकी शेप खराब हो जाएगी। अब या तो आप कोई कटर ले लें या फिर इस तरह का ढक्कन ले लें और इसे इसके ऊपर रखकर कट कर लें और इसी तरह से पूरे को कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे। अब इन्हें रिंग्स की शेप देने के लिए इन्हें एक बार और कट करेंगे।
इन्हें कट करने के लिए मैंने एक छोटा ढक्कन लिया है। इन रिंग्स को ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, वरना जब हम इन्हें उठाएंगे तो ये टूट जाएंगे। अब इस ढक्कन को हम इसके ऊपर रखेंगे और प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए, ये रिंग्स की शेप बन गई। ये छोटे वाले जो गोले हैं, इन्हें या तो आप फ्राई कर लें, नहीं तो डो में ही मिक्स कर लें। मैं इन्हें डो में ही मिक्स करूंगी। ये रिंग्स बनाना बहुत ही आसान है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसे एकदम पतला नहीं बेलना है और रिंग्स को पतला नहीं बनाना है, जिससे ये टूटे नहीं। इसी तरह से बाकी के रिंग्स भी बना लेंगे। तो सभी रिंग्स बनकर तैयार हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ये एक साइज़ के रिंग्स। अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में लेंगे ऑयल, इसे गर्म कर लेंगे। इन्हें ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करना है। ऑयल हल्का गर्म हो गया है तो धीरे से रिंग्स को एक एक करके इसमें डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा रिंग्स को ऑयल में न डालें, जितना पैन में स्पेस हो उतने ही डालें। डालने के बाद इन्हें तुरंत टच ना करें। जब ये रिंग्स फ्राई होंगे तो ये ऊपर आने लगेंगे। एक साथ ज़्यादा रिंग्स डालने से ये आपस में चिपक जाते हैं। जैसे जैसे ये फ्राई होते हैं ऊपर तैरने लगेंगे, और जब ये नीचे से हल्के से क्रिस्पी हो जाएं, तो इन्हें धीरे से पलट देंगे। फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और ये देखिए, ये एक साइड से क्रिस्पी हो गए हैं तो इन्हें पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब ये दोनों साइड से फ्राई होकर क्रिस्पी से हो गए हैं तो इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी, इतने करारे ये रिंग्स बनकर तैयार हुए हैं। बच्चे तो इन्हें छोड़ेंगे ही नहीं। अब बचे हुए रिंग्स को भी हम सेम प्रोसेस से फ्राई होने के लिए डाल देंगे और क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो रिंग्स तैयार हैं। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें थोड़ा चटपटा टेस्ट देने के लिए इसमें मिलाऊंगी मसाला। इसके लिए लेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला। इसे मिक्स कर देंगे और अब इसे डाल देंगे इन रिंग्स के ऊपर। इसे टॉस कर दीजिए। तो ये लीजिए, तैयार हैं ये फ्रेंच फ्राइज जैसे टेस्टी आलू के ये रिंग्स। देखा कितना आसान है इन रिंग्स को बनाना। आप भी इन्हें एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये रिंग्स सबको पसंद आते हैं और बच्चों के तो ये फेवरेट हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा भी कंजूसी ना कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय।